आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है आज हम ग्यारह दिसंबर को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में द नगरी जलप्रपात किस जिला में स्थित है तो सही आंसर होगा द नगरी जलप्रपात जसपुर ज़िला में स्थित हैं ध्यान देंगे द दे नगरी जलप्रपात छत्तीसगढ़ के जसपुर जिला के बगीचा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम सुलचा एवं पंडरा के बीच घने जंगल में स्थित हैं इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग सौ फीट है इसे भी ध्यान रखिए चलिए अगला प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़ राज्य को उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर एन क्यू ए एच सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला देश का कितने नंबर का राज्य है का सही आंसर होगा देश का चौथा नंबर का राज्य है चलिए ध्यान देंगे एन क्यू ए का पूरा नाम राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक है दुर्ग ज़िले के अमलेश्वर और रायपुर ज़िले के निजदा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को राज्य में पहले एन क्यू ए एस सर्टिफिकेशन उप स्वास्थ्य केंद्र बने हैं मूल्यांकन में खरा उतरने वाले अस्पतालों को ही केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी किया गया है प्रदेश के कुल संतावन अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है इसे भी ध्यान देंगे चलिए अगला प्रश्न देखिए हाल ही में नवाट के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है तो इनका सही आंसर है हाल ही में नवाट के नए अध्यक्ष के वी साजी बने हैं ध्यान देंगे के वी साजी को आठ दिसंबर दो को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है पहले उन्होंने 21 मई 2020 तक नाबार्ड के डिप्टी एमडी के रूप में कार्य किया है वह अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधन संस्थान से सार्वजनिक नीति में पी के साथ कृषि स्नातक हैं नबार्ड की स्थापना इंदिरा गांधी द्वारा पाँच नवंबर उन्नीस को सौ करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ शुरू की गई थी इसे भी ध्यान देंगे नवा्ड की स्थापना पाँच नवंबर उन्नीस को हुई है और यह स्थापना इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ है इसे ज़रूर ध्यान दीजिए चलिए अगला प्रश्न देखिए जी ट्वेंटी समूह की बैठक अगले साल दो में किस राज्य में आयोजित किया जाएगा तो इनका सही आंसर है जी ट्वेंटी की अगले साल दो में छत्तीसगढ़ में बैठक आयोजित की जाएगी यह वेरी आई एम पी क्वेश्चन है आप इसे जरूर ध्यान दीजिए क्योंकि आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनेंगे चलिए ध्यान दीजिए जी ट्वेंटी के चौथे वित्त कार्य समूह की बैठक सितंबर दो में छत्तीसगढ़ में होगी भारत के अध्यक्षता में जी ट्वेंटी का अठारहवा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में अगले साल दो में आयोजित होगा यह सम्मेलन वसुधे कुटुंबकम के आदर्श पर आयोजित किया जाएगा 9 और 10 सितंबर दो को नई दिल्ली में अगला जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन आयोजित होगा तथा भारत के सभी राज्यों के कुल छप्पन स्थानों पर 215 सौ पंद्रह बैठकें होगी जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य को भी शामिल किया है चलिए अगला प्रश्न देखिए हाल ही में ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड ऑफ द ईयर दो हज़ार बाईस के लिए किसे चुना गया है तो इनका सही आंसर होगा गोब्लिन मोड़ को दो हज़ार बाईस ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है चलिए ध्यान दीजिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने दो हज़ार बाईस के लिए गोबलिन मोड़ को वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना गया है दुनिया का गोबलिन मोड़ एक शुलख शब्द है जिसका अर्थ है एक प्रकार का व्यवहार जो अपर्याप्त रूप से आत्मीयम अनुग्रहकारी या लालची है आमतौर पर सामाजिक मानदंडों को अस्वीकार करता है गोब्लिन मोर शब्द पहले स्थान पर रहा इसके बाद मिठा दूसरे स्थान पर है चलिए अगला प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़ की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह की जयंती कब मनाई जाती है तीन का सही आंसर होगा हर वर्ष दस दिसंबर को शहीद वीर नारायण सिंह जयंती मनाई जाती है ध्यान देंगे उन्होंने सन अठारह के भीषण अकाल के दौरान गरीबों को भूख से बचाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कठिन संघर्ष किया है राज्य सरकार ने उनकी स्मृति में आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग में उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए शहीद वीरनारायण सिंह सम्मान सम्मानित किया जाता है पहली बार प्रदेश के शहीद वीनारायण सिंह पर बॉलीवुड फिल्म बनने जा रही हैं बीस करोड़ के मेगा बजट की इस फिल्म में बॉलीवुड के कई कलाकार नजर आएंगे अमिताभ बच्चन इस फिल्म के लिए अपनी आवाज़ दे सकते हैं इसे ज़रूर ध्यान दीजिए बीस करोड़ की लागत पर इसे बनाया जाएगा चलिए अगला प्रश्न देखिए दुनिया की सबसे बड़ी पवन शोर हाइब्रिड पावर डेवलपर कौन सा कंपनी बना है तो सही आंसर है अडानी ग्रीन दुनिया की सबसे बड़ी पवन शोर हाइब्रिड पावर डेवलपर कंपनी बना है ध्यान देंगे अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड दिसंबर 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा पवन शोर हाइब्रिड पावर डेवलपर कंपनी बना है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दिसंबर 2022 में राजस्थान के जैसलमेर में अपना तीसरा पवन शोर हाइब्रिड पावर डेवलपर चालू किया है इससे पहले मई 2022 में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने भारत के पहले 390 मेगावाट के हाइब्रिड बिजली संयंत्र का संचालन किया जा रहा है इनकी स्थापना दो पंद्रह में हुई है और इनकी मुख्यालय अहमदाबाद में स्थित है चलिए अगला प्रश्न देखिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बनारस में किस राज्य को सम्मानित किया जाएगा इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य को बनारस में सम्मानित किया जाएगा ध्यान देंगे भारत सरकार द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के संचालन में शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने वाले राज्यों को सम्मानित किया जा रहा है छत्तीसगढ़ को कुल चार हज़ार आठ सौ पच्चीस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कु स्वास्थ्य केंद्रों और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन कर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में संचालित करने का लक्ष्य मिला था राज्य में अभी इस लक्ष्य से बैंसठ से अधिक यानी चार हज़ार केंद्रों का संचालन हो रहा है चलिए अगला प्रश्न देखिए सुकान्त कदम ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीत हासिल की है तो उनका सही आंसर है स्वर्ण पदक जीत हासिल की है चलिए ध्यान देंगे सुकान्त कदम ने दिसंबर दो को पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत हासिल की है इसमें भारत ने कुल चौदह पदक जीत हासिल की है जिसमें छः स्वर्ण पदक है एक रजत पदक है सात कांस्य पदक जीते हैं भारतीय पुरुष युगल जोड़ी निहाल और ब्रेनो जोहान और महिला युगल जोड़ी पारुल परमार और वैशाली नीलेश पटेल ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीत हासिल की है इसमें मुख्य बात यह है कि भारत ने कुल चौदह पदक जीत हासिल की है इसे जरूर ध्यान दीजिए चलिए अगला प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़ में कितने गाँवों में नेट कनेक्टिविटी दिए जाना शेष है यह वेरिया एम पी क्वेश्चन है आप इसे भी ध्यान रखिए चलिए इनका सही आंसर है छत्तीसगढ़ में गांव में नेट कनेक्टिविटी दिया जाना अभी पाँच सौ चौहत्तर गाँव शेष हैं चलिए ध्यान देंगे छत्तीसगढ़ में पाँच सौ चौहत्तर गाँव में नेट कनेक्टिविटी दिया जाना शेष है जिसे जून दो हजार तेईस तक पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है इसे ध्यान दीजिए दो हजार तेईस तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है बैठक में फोर जी जनरेशन पर चर्चा करते हुए के राजा रामन ने बताया है कि देश में पच्चीस हज़ार से अधिक गाँव में अभी नेटवर्क नहीं है जिसमें चौदह सौ इकतीस छत्तीसगढ़ के गांव शामिल हैं प्रदेश में प्राथमिकता के साथ छः हज़ार छियालीस नए टावर लगाए जाने की विस्तार से किया जाएगा चलिए अगला प्रश्न देखिए हमने पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा था कि बस्तर संभाग में यात्रा पर्व कब मनाया जाता है इनका सही आंसर है चरु यात्रा पर्व हर साल फसल कटाई के पश्चात मनाया जाता है चलिए अब आपके लिए आज का प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य पेशा कानून लागू करने वाला देश का कितने नंबर का राज्य है इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना है आप जितने भी प्रश्न के आंसर लिख देते हो आप उन्हें अच्छे से याद कर पाते हो तो इसलिए आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए चले मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद जय जा छत्तीसगढ़ यदि हमारे वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट और शेयर ज़रूर करें क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है